महिलाओं को शतावर चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम, और पुरुषों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, तीनों, और बहुत ज्यादा यौन दुर्बलता भी है तो कोंच के बीज, ये चारों। वैसे इनके लड्डू भी बना सकते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये पतंजलि गाय का घी ले लीजिए, उसमें थोड़ा उनको भून लीजिए, थोड़ा सा सेक लीजिए, या पहले पतंजलि सूजी ले लीजिए, मोटा रवा होता है ना, पतंजलि सूजी ले लीजिए, उसको गाय के घी में भून लीजिए, और जब अच्छे से भून जाए तब थोड़ा सा इनको सेक लीजिए, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। उसमें आप थोड़ा गोंद डाल सकते हैं, गोंद को भी सेकना जानती हैं महिलाएं। उसमें आप फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज डाल सकते हैं ये, और जो थोड़ा थोड़ा मगज, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा अखरोट, थोड़ा किशमिश, थोड़ा बादाम, ये मगज, अलग अलग प्रकार के जो खीरे के बीज होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, सनफ्लावर के बीज होते हैं, थोड़े मगज डाल लीजिए उसके अंदर, और आप खाइए, इतनी ताकत मिलेगी आपको, किसी भी प्रकार की कोई दुर्बलता नहीं। कमजोरी के लिए, जिनको किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, कैसे भयंकर धातु रोग हो, स्त्रियों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा लिकोरिया है, मंथली की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत शरीर में दुर्बलता है, उनके लिए, और पुरुषों को भी जिनको धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जो भी उनको नाम दे दीजिए आप, बहुत तरह के उनके नाम, हमको बोलने में भी संकोच होता है, आप ये बाह्य प्राणायाम कीजिए, आपको कोई दुर्बलता नहीं रहेगी। स्त्रियाँ शतावर चूर्ण ले लें, पुरुष अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का सेवन कर लें, या मूसली पाक ले लें, थोड़ा शिलाजीत या अश्वगंधा का कैप्सूल, जिंगसंग जिंगसंग करके चीन ने जो है करोड़ों रुपए कमा लिए, अश्वगंधा जिंगसंग का बाप है, और अश्वगंधा सब चूर्ण खा नहीं सकते, थोड़ा कड़वा होता तो उसका स्टेक निकाल दिया हमने, अश्वगंधा कैप्सूल, फिर ये शिलाजीत का कैप्सूल जिनको थोड़ा सा कड़वा लगता है, या अश्वशिला, दोनों का साथ में मिला करके, और जिनको बहुत ही ज़्यादा यौन दुर्बलता, उसके लिए हमने यौनामृत भी बनाया है, यौवन गोल्ड बनाया है, वो आवश्यकता के अनुसार बहुत ज़्यादा समस्या होने पर देते हैं।